नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूँ आरती पांडे। एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारी से देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आज कोर्ट में इनकी पेशी होगी। उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में 220 रुपए लूटने के लिए दो बदमाशों ने एक शख्स की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। छेड़खानी करने का आरोप स्कूल के कैब ड्राइवर पर लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। 18वें एशियन गेम्स का आज 11वां दिन है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने 9 पदक जीते थे। आज महिला हॉकी और टेबल टेनिस के खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद की जा रही है। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।